राहुल गांधी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज चोमू स्थित खेल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष महरिया के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 3 मई को राहुल गांधी भरतपुर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत राहुल गांधी मारवाड़ की सियासत को साधने लगातार प्रदेश के दौरे पर रहे हैं। चूंकि 13 लोकसभा सीटों पर मतदान 29 अप्रैल को संपन्न हो चुके हैं और अब 6 मई को 12 शेष लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इसी के तहत इन सीटों को साधने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। और वहीं 3 मई को एक बार फिर से राहुल गांधी भरतपुर में भी दौरे पर दिखेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज राहुल गांधी की चोमू स्थित खेल स्टेडियम मैदान में एक विशाल जनसभा होनी है और कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष महरिया के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत राजस्थान की सियासत को साधने राहुल गांधी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। शेष 12 लोकसभा सीटों की सियासत को साधने, राजनीतिक गणित को साधने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और चोमू स्थित खेल स्टेडियम मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। दिनेश, शेष 12 लोकसभा सीटों पर अभी चुनाव होने राजस्थान में बाकी है और इसी के तहत राहुल गांधी आज चोमू में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है और तैयारियों को लेकर क्या कुछ कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला? देखिए ज्योति, प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है और शेष 12 सीटों के लिए जो कांग्रेस की कैंपेनिंग है वो और तेज हो गई है। दो दिन पूर्व जहां राहुल गांधी ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किया, कोटपुतली में जनसभा को संबोधित किया था, आज वे चोमू में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 3 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी रहेंगे। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी प्रदेश भर में जनसभाएं संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जी दिनेश, चूंकि आज चोमू में खेल स्टेडियम मैदान में राहुल गांधी की विशाल जनसभा है और इसके बाद क्या कार्यक्रम है, एक बार फिर से दौरा कब रहेगा राहुल गांधी का? 3 मई को भी भरतपुर का क्या दौरा है? देखिए ज्योति, आज भी उनकी सभा है, चोमू में सभा होनी है और कल भी भरतपुर में। देश भर में राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, आज उनका कार्यक्रम दूसरे स्टेट्स में भी है और उसके साथ ही राजस्थान में भी करीब 3-4 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद कल भी राहुल गांधी भरतपुर में एक कांग्रेस की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं भरतपुर से उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। जी दिनेश, जिस तरह से आपने बताया, आज राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद नजर आएंगे, सीएम, डिप्टी सीएम और सभी। एक तरह से मान सकते हैं दिनेश कि आज राहुल गांधी चोमू में पहुंचकर चोमू की जनता में और साथ ही कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेंगे और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। और एक बार फिर से दिनेश, मैं ये उम्मीद भी जता सकती हूँ कि राहुल गांधी मैनिफेस्टो को और स्पेशली न्याय योजना को जनता के सामने विस्तार से रखेंगे। देखिए ज्योति, लगातार कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है, कैंपेन स्ट्रेटेजी, उसके अनुसार वो लगातार जो न्याय योजना है राहुल गांधी की, उसके अकॉर्डिंग आम जनता को उसे जानकारी दे रहे हैं। उसके माध्यम से जनता से कैसे वोट हासिल किए जाए, कैसे मतदाताओं को आकर्षित किया जाए, न्याय योजना का कैसे लोगों को फायदा मिलेगा, इकोनॉमी कैसे प्रभाव रहेगा, 72,000 रुपए गरीब जनता के खाते में आएंगे, जो गरीब परिवार की महिला है उसके खाते में ये पैसे आएंगे सीधे, साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा हो या पिछले 5 साल की सरकार की जो नाकामियां हो, उनको लगातार ऐसी योजनाएं, उनको राहुल गांधी लगातार जनता के बीच इस बात को कहते रहे हैं और आज भी वही राहुल गांधी जो प्रदेश की 12 सीटें हैं उनके लिए पूरा फोकस किया हुआ है। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर पिछली 5 साल की जो सरकार कार्यकाल रहा उसके ऊपर 41 सवाल दागे थे और ऐसे ही
हमला लगातार कांग्रेस बीजेपी के ऊपर कर रही है ताकि 12 सीटों पर कैसे बढ़त बनाई जाए। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमें इस खबर पर अपडेट करते रहें। आप सभी को बता दूं कि चोमू में आज राहुल गांधी का दौरा है और राहुल गांधी 3 बजे चोमू में खेल स्टेडियम मैदान में पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष महरिया के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते नजर आएंगे और उनके साथ कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता और प्रदेश के मुखिया और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे।